शोभा तारीख के सालाना स्पोर्ट्स गाला और कल्चरल डे की तकरीबात बड़े अहतमाम के साथ मुनक्किद की गई। पहले दिन इन खेलों का बाकायदा आगाज और इफ्तिताह डॉक्टर महबूब हुसैन, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज ने अपने फैकल्टी के हमराह किया। पहले दिन खेलों के मुख्तलिफ मुकाबला जात मुनक्किद हुए, आइए उनकी एक झलक देखते हैं। खेलों के मुकाबले के दूसरे दिन क्रिकेट मैच, रस्सा कशी, तलबाओ तालबात की रेस और फैकल्टी की भी अलग से रेस मुनक्किद हुई। आइए हम आपको ग्राउंड के लाइव मनासर दिखाते हैं। प्रोग्राम के तीसरे दिन इब्ने खुलदून सोसाइटी के जेर एहतमाम कल्चरल शो का एहतमाम भी किया गया, जिसमें चारों सूबों के सकाफती रंग बिखेरे गए। बाशिंदों से ताल्लुक और बाशिंदों का धरती से, इसका एक मुनफरद अंदाज हमें दरियाए सिंध के बासियों के हाँ मिलता है, जहाँ के रहने वाले दरियाए सिंध को सिंधु माता कहते हैं और दरिया अपनी रवानी से मकीनों के लिए खुराक, खाना पीना यकीनी बनाता है। सिंधी सकाफत की जड़ें मोहनजोदड़ो की वादी में पाई जाती हैं। ये तहजीब आर्याओं की आमद से कबल नुक्ताए आगाज पकड़ती है और रानी कोट किले की अजीम दीवार से होती हुई सखी लाल शहबाज कलंदर और शाह अब्दुल लतीफ भटाई तक आ पहुंचती है। दाने कोहिस्तान गंधारा तहजीब के वरसा पश्तून दुनिया की सबसे बड़ी कबायली असबियत हैं। पश्तून माशरे की रवायात, रसूम और रिवाज और समाजी इकदार को मुश्तरका तौर पर पश्तून वाली कहा जाता है।
पश्तून कबाइल ने इस्लाम कबूल किया तो पश्तून वाली और इस्लामी इकदार के मुश्तरका मुहाफिज इस जमीन पर पैदा हुए और ये जमीन रहमान बाबा और खुशहाल बाबा की जमीन कहलाने लगी। से कबाइल में रहता है और यहीं पर समाजी अकदार, असबियतें, आपसी इमदाद और लगाव, वफादारी और हिम्मत, जवामर्दी जैसी आला इखलाकी कदरें इंसानी माशरे और सोच का हिस्सा बनी। ये उन कबाइल की अकदार से मोहब्बत ही है जिसने बरेसगीर की 3000 कबल मसीह में जन्म लेने वाली बराहवी जुबान को ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उर्फ आम में इस्तेमाल और बोलने के काबिल भी बनाए रखा। पंजाबी के शेक्सपियर वारिस शाह ने हीर रांझा लिखकर लोगों के लिए मोहब्बत की रमजें आसान की तो साथ ही ख्वाजा गुलाम फरीद जिन्हें पंजाबी का जामी भी कहा जाता है वो महबूब को मुखातिब पा कर कर कहने लगे, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। और इसी के साथ साथ बाबा बुल्ले शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श साहिब ने अपनी तमाम उम्र अपने अपने मुर्शिद के लिए गुजार दी। तकरीब के आखिर में शोबाए तारीख के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन ने अपने खिताब में कहा, जो तनकीदी अल्फाज सारी सेगमेंट के लिए परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किए वो बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ज़्यादा भी अप्रिशिएट कर रहे थे। और ये जरूर स्पोर्ट्स गाला के दोनों दिन और कल्चरल फेस्टिवल का एक दिन बहुत एंजॉय किया होगा। शुक्रिया।